आई होप की अब आवाज क्लियर जा रहा होगा आई होप क्लियर जा रहा होगा गुड आफ्टरनून एवरी वन सॉरी फॉर द लेट आज हम आधा घंटा लेट है अपने टाइमिंग से ठीक है कुछ इश्यूज टेक्निकल इशूज के वजह से लेट हो जाता है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं एक्चुअल में अभी होता क्या है तो जस्ट इससे पहले जो है ना बिहार बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है बिहार बोर्ड टेंथ का ठीक है उसी का जो है स्टूडियो में जो है आंसर की लाइव होता है बिहार बोर्ड इजी चैनल पे ठीक है तो इस वजह से उसमें थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो आपको जो है आप लोगों के सामने लेट आए हैं ठीक है अच्छा गुड आफ्टरनून चलिए आई होप कि आप लोग अच्छे से जो है पूजा कर लिए होंगे कल एकदम बुनिया भी सब जगह घूम घूम के अच्छे से खा लिए होंगे और भगवान को थोड़ा बहुत जो है ना घूस भी दे के आ गए होंगे जो भगवान अच्छा मार्ग आ जाना हे माता अच्छा मार्ग दिला देना तब अगले बार ये करेंगे वो करेंगे कुछ ना कुछ तो किए होंगे वॉइस इज नॉट क्लियर अरे लेट आने के बाद यही सब होता है आई होप कि आप क्लियर होगा आवाज हम्म क्लियर है अच्छा रौनक बोल रही एक सौ नारियल फोड़ेंगे कितना मार्क्स आएगा तो सिमी जो है एक केजी के जी लड्डू गची हुई अच्छा चलिए बिल्कुल आप लोग जो है और वो आस्था का चीज है और होना भी चाहिए रौनक 85 फाइव परसेंट मार्क्स में जो है एक एक सौ नारियल जो है फोड़ने के लिए तैयार है यहाँ सिमी से कुछ सीखिए एक किलो लड्डू में एक सौ में एक सौ मार्क मांगी है सरस्वती जी से चलिए आई होप कि आप सभी जो है ज्वाइन कर चुके हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगा क्योंकि कल आप लोग जो है थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा सा थकान हुआ होगा वैसे आप लोग को थकान और टेंशन तो होता नहीं है टायर्डनेस और टेंशन टीचर को हो सकता है आप लोग को नहीं होता है ठीक है ना तो फिर भी जो भी थकान होगा कल जो है रिफ्रेश हो गए होंगे और इसी वजह से कल हम जो है ना सेशन को शॉर्ट करके खत्म कर दिए थे क्योंकि हमको खुद लग रहा था मतलब हमें खुद पढ़ाने में अजीब लग रहा था गोविंद आप लोगों का ट्वेल्थ का बैच अभी ड्रॉप है कल जो है कल पता दिया जाएगा गुड आफ्टरनून चलिए आज का जो टॉपिक है वो पहले हम प्रोज सेक्शन में ठीक है आपको देखते हैं ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया इसमें तीन पार्ट है तीनों पार्ट का नाम कमेंट करके बताइए पार्ट वन में क्या है तेजिस बताइए तीनों पार्ट में क्या सब है कमेंट कीजिए अच्छा ए बेकर फ्रॉम गोवा है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट द बेकर फ्रॉम गोवा है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कौन है कॉर्ग है ठीक है थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम रौनक सही आपका भी बेकर फ्रॉम गोवा कौर है और टी फ्रॉम आसाम तीन पार्ट है चलते हैं पहले तीनों पार्ट को देखते हैं फिर आगे जो है ग्रामेटिकल सब देखेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम चलिए देखिए पहला जो है आपका जो पार्ट है उस पहले पार्ट को देखते हैं फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है बेकर फ्रॉम गोवा आप लोग जो है पढ़े हुए हैं हर एक टॉपिक को फिर भी हम थोड़ा बहुत कवर अप करके जो है चलते हैं ठीक है देखिए इसका पॉइंट हम बताए थे मेनली जो यह बेकर बेकरी था ना ये पुर्तुगीज डे से जो है ना वह फेमस हुआ था जब पुर्तुगीज जो है आए हुए थे तो पुर्तुगीज डे से जो है वह फेमस हुआ था और वहीं से जो है गोवा में जब जब जा रहे थे तो कुछ उसका सेटअप छूटा था कुछ यहाँ बस गए थे वहीं से जो है बेकर जो है वह वर्ड जो है इंट्रोड्यूस हुआ था ठीक है एल्डर्स एन थिंग्स गुड पुर्तुगीज डे एंड करे बेकर्स की बात करे तो वह सभी बेकर्स और जो है, आ, से ही पुर्तुगीज जब आए थे उसी टाइम से जो है ना ब्रेड का हमें जो है टेस्ट पता चला उसी के बाद बेकर का इम्पोर्टेंस पता चला बेकर धीरे धीरे हमारे लाइफ में जो है वह इन करते चले गए यदि आज की बात कीजिएगा तो आज जो है ना बेकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोगों के लाइफ में यदि आप जैसे अभी आप लोग फेयरवेल किए फेयरवेल में बिना बेकरी का कुछ भी नहीं संभव होगा क्योंकि केक लगाना है ना ठीक है तो अब तो थोड़ा सा उसका जो है स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है द ओल्ड एज फर्नेस विल बेक दिस देखिए ब्रेड देखिए ओल्ड एज फर्नेस जो था अभी जो अभी जो है वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर एक चीज हम लोगों के पास है मॉडर्न इक्विपमेंट है मॉडर्न जो है है और आप कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक आज जो है टेक्नोलॉजी में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वह इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहा है लेकिन सबसे पहले जब ये बनाया जाता था ना तो ये फर्नेंस ओल्ड जो है फर्नेंस भट्टी का सिस्टम था और उसी में केक को जो है या ब्रेड को जो है वह बेक किया जाता था ठीक है द थ्रेंड एंड जंगल ऑफ द जब बैकर्स आता था जैसे अभी आप देखते होंगे अब अब जो भी रोड साइड स्टैंड वाले दुकानदार हो या रेडीज वाले हो या घूम घूम के बेचने वाले हो उन सभी का एक टोनल क्वालिटी जो होता है वोकल क्वालिटी जो होता है कुछ जो है जैसे आप अभी के दौर में देखिएगा जैसे सत्तू बेचने वाला घूम घूम के सत्तू बेचता है ठीक है तो उसके पास क्या है वोकल क्वालिटी तो वोकल पावर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो साउंड बांध लेता है और उसे बजा कर निकलता है तो कुछ ऐसे जो है वो भी जुगाड़ करते थे उस समय में टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था तो जुगाड़ क्या था तो वह बेम्बोज का जो है वह एक स्टिक बनाते थे जिससे वह पटकते थे और उसको जो है पटकने के बाद दोनों दो स्लाइड बेम्बो का जो था वो आवाज करता था और उसका जो आवाज था वही है यहाँ पे थर्ड एंड एंडल ठीक है यह सुनाई देता था और लोगों को पता चलता था जो कोई और नहीं कौन आया है बेकर ठीक है इवेंट टूडे दीज बेकर आज के दिनों में भी हम जान, वह जाने जाते हैं लेकिन आज के दिनों में क्या जाने जाते हैं पैडर्स ठीक है चिल्ड्रेन रन टू मीट एंड ग्रीट हिम और बच्चे सबसे अधिक वहां पर उत्साहित होकर जाते थे क्योंकि बच्चे के लिए स्वीट ब्रेड जो है ना वह रहता था उनके पास और बच्चे जो है उसे करने जाते थे, उनका जो है स्पेशल मैक देखिये हम लोगों के टाइम का तो बच्चा है नहीं अभी आप लोगों के टाइम का तो बच्चा है नहीं आप लोग के टाइम में क्या होता है तो बच्चा फ्री फायर खेलते रहता है बच्चा जो है एकदम मोबाइल में इन्वॉल्व रहता है रील्स वीडियो देख के बिता लेता है लेकिन जब आप ओल्ड डेज में जाइएगा तो बच्चे जो है ना वह खोजते रहते थे कैसे वह अपना खुशी जो है ना किस चीज में ढूंढे और वह बाहर निकलते थे बाहर जाकर वह रूम में घरों में घरों से बाहर ही जो है उसे खुशियां का स्रोत मिलता था सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस जो है वह आउटसाइड देयर हाउसेस मतलब घर से बाहर होके ही और अधिकांश समय वह गेट से बाहर होकर ही जो है बिताते थे ठीक है लेकिन आज के दौर में यदि बच्चे हैं उसको अधिकांश टाइम जो है उसका मोबाइल पे बीतता है और गार्जियन भी फ्री हो जाते हैं चलो लो मोबाइल ले लो तुम मेरा टेंशन फ्री करो ठीक है चलिए नेक्स्ट मैरिज वेयर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट नॉन एस बोर्ड बोर्ड स्वीट्स के बिना याद रखिएगा इनके बिना मैरिज का जो है ना मैरिज में जो गिफ्ट दिया जाता था वो अधूरा होता था वो ये वो गिफ्ट जब भी जाता था तो बोर होना चाहिए उसके बिना वो गिफ्ट क्या होता था अधूरा होता था द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अर डॉटर्स एंगेजमेंट डॉटर के एंगेजमेंट में आज जो है हम लोग आज जो है हम लोग जो है अधिकांश सैंडविचेज का यूज करते हैं तो वो भी बिना ब्रेड का जो है वह सैंडविच जो है अधूरा है ठीक है तो डॉटर्स के एंगेजमेंट में लेडी जो है वह क्या बनाया करती थी सेंड़ीचेश. केक्स एंड आर द मोस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल अदर फेस्टिवल के लिए भी केक जो है वह इंपॉर्टेंट था द प्रजेंस ऑफ फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल गाँव में बेकरस का फर्नेस जिस तरह से जैसे आप देखिएगा पुराने जमाने में जो है ना अब आ, लोहार का जो है फर्म भट्टी होता था ठीक है वहां पहले जमाने में जो आप देखिएगा तो लाह का भट्टी लाह मतलब होता है लाही का चूड़ी सुने होंगे बैंगल्स ठीक है उनका एक भट्टी होता था उन सब में लोग अपना जो है ना रोजी रोटी कमाते थे लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दौर में वो सभी चीज हमें कम देखने को मिलता है ठीक है द बेकर्स इन द ओल्ड डेज यूज टू वियर अ ड्रेस नॉन एज कबई ये जो है वह स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रेस पहनते थे और वो स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रेस का कोई और नाम नहीं क्या नाम होता था वही, नाम होता था ठीक है old days. Old days है है वाज क्वाइट ए प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड ओल्ड एज एज में जो जो वह पूरा बिजनेस माना जाता है और क्या होता था पता है जैसे अभी आप यदि रेगुलर जो है ना दूध लेते होंगे तो वह क्या होता है कि आपका जो है पर मंथ हिसाब होता होगा या तो आपसे एडवांस में लेता होगा या उसको एक महीने के बाद देते होंगे तो उसका जो है बोल होगा BOL बोर नहीं ठीक है बोल होगा BOL होगा ठीक है ये एल है बोल ठीक है तो वहां जो है मतलब जब भी आप लेते होंगे तो क्या होता है एक महीने का जो है ना वह हिसाब किताब किया जाता है तो बेकर भी जब जाता था तो वह प्रत्येक दिन जो है जो रेगुलर कस्टमर होते थे उसे देकर निकल जाता था लेकिन वह क्या करता था उसी के दीवार पर जो दीवाल होता था उसी पर इंडिकेट करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता था लेकिन जो डे बाय डे लाइफ में लेते थे वह उसे क्या करता था दे दे तो देता था सामान उस समय लेकिन वह पैसे लेने के जो है ना इंतजार में नहीं रहता था वह लौट कर आता था जो लौट कर रिटर्निंग के टाइम समय वह जो है पैसे लेता था ठीक है द बेकर्स एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुकड और वह अपने जिंदगी में हमेशा खुश रहता था आगे की ओर बढ़ता था चलिए क्वेश्चन आपको है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइन है वी कीड वुड बी साइड विथ माइल्ड रिबक एंड द लॉफ वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट बट वी कुड नॉट गिव अप वी क्लाइंब अ बेंच और द पारापेट एंड पीप इन टू द बास्केट सम आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ लॉफ्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन ठीक है अब क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन में है वी कौन है वी जो है एक्सट्रैक्ट में कौन है बताइए तेजी से वी कौन है एक्सट्रैक्ट में हु आर वी इन द एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट में वी कौन है तेजी से कमेंट करके बताइए तेजी, तेजी तेजी अब आप लोग जो है थोड़ा एक्टिव हो जाइए ठीक है ना क्योंकि बताना आपको बैकर चलिए नेक्स्ट ऑथर एंड देर फ्रेंड्स चलिए पोएट पोएट तो होगा ही नहीं पोएट तो होगा ही नहीं पोएट यहाँ पोएट कब होगा जब पोएम रहता तब पोएट होता द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स चलिए बिल्कुल जो है नारेटर या राइटर्स एंड हिज फ्रेंड्स होगा ठीक है एंड हिज फ्रेंड्स जो है यहां पर वी जो है वह कोई और नहीं नायरेटर्स एंड हिज फ्रेंड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन पुस्ट aside? बच्चों को साइड क्यों कर दिया जाता था तेजिस बताइए चलिए नायरेटर के जगह आप राइटर भी लिख सकते हैं ऑथर भी लिख सकते हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का शुभांग सिमी पल्लवी आप सभी का सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वे आर द चिल्ड्रेन पुस्ट असाइड तेजिस बताइए चिल्ड्रेन पुस्ट aside? वाई वेयर द चिल्ड्रेन पुस्ड अट तेजिस बताइए सो दे वेयर बी सो सो डेट दे वेयर बी फार फ्रॉम ब्रेड चलिए ठीक है नेक्स्ट तेजी तेजी कॉमेंट कीजिए टू डिलीवर द ब्रेड्स टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस चलिए यह भी ठीक है टू प्रिवें टू प्रिवेंट, प्रिवेंट ब्रेड फ्रॉम द चिल्ड्रेन चलिए सबका करीब सही है ठीक है ना

और एस्कॉल्डिंग, डांटना या डिसअप्रूवल के सेंस में कौन सा फ्रेज है तेजी से बताइए आपके सामने में लाइन है एक्सट्रैक्ट लाइन है इस लाइन में आंसर है आपको खोज के बताना है तेजी से तेजी तेजी बताइए चलिए सुंदरम बहुत देर के बाद आए हैं चलिए आंसर बताइए माइल्ड रिबक एक ऑप्शन आ चुका है भावना बता चुकी है माइल्ड रिबक्स अच्छा डिसअप्रूवल और एस्कोल्डिंग वर्ड तो आप जानते हैं चलिए दिस रिबक जो होता है माइल्ड रिबक नहीं होगा रिबक होगा ठीक है रिबक वर्ड आप सेंटेंस पढ़िएगा ना तो यहीं से पता चल जाएगा देखिए द किड्स वुड बी पुस्ट अड विथ माइल्ड रिबक माइल्ड रिबक होता है रिबक होता है जो मतलब धीरे से खिसकाना मतलब धक्का नहीं देना ठीक है ना उसे साइड कर देना ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा डांटते हुए लेकिन धीरे से उसे जो है साइड कर रहे थे नेक्स्ट व्हाट वाज देयर इन द बास्केट बास्केट में क्या था तेजी से कमेंट करके बताइए बास्केट में क्या था लोब्स ऑफ ब्रेड इसमें इतना आंसर लगता है स्वीट ब्रेड्स सुंदरम आंसर करना आपको भी जो भी ज्वाइन है ना आंसर जरूर कीजिए ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट पता, पता चलता है मतलब आप इसमें कितना इंटरेस्टेड है सेशन में ठीक है क्योंकि ज्वाइन होके आप रख भी सकते हैं बिल्कुल ब्रेड्स देखिए लॉफ ऑफ ब्रेड था इल्डर्स के लिए और बैंगल्स था किसके लिए तो बैंगल्स था चिल्ड्रेन के लिए जब दिया हुआ लाइन है तो आप थोड़ा सा अधिक लिख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल ठीक है जस्ट एज ए पार्टी और ऑफिस्ट लेस इज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट केक्स एंड

चलिए बिल्कुल सही है ठीक है क्या था तो दो था ये दोनों आप लोग जो है जान रहे नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज बेकर इन विलेज बेकर जो है वह विलेज में नेसेसरी क्यों था तेजी से बताइए तेजी से आंसर कीजिए विलेज में बेकर नेसेसरी क्यों था तेजी तेजी बताइए आप लोग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहता ही नहीं है नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग बहुत फास्टली आंसर देते हमें पता है लेकिन ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है बिकॉज ब्रेड्स वॉज द कॉमन फूड फॉर द विलेजर्स अच्छा चलिए सिमी ठीक है नेक्स्ट और का वाइज नेसेसरी इन अज तेजी से बताइए रिगार्डिंग द ब्रेकफास्ट एंड मैरिज सिरोमनी अच्छा बिकॉज ब्रेड्स वॉज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फिस्ट चलिए सबका करीब करीब जो है सही है थोड़ा थोड़ा जो है मिस हो रहा है गलती हो रहा है ठीक है बेकर इज नेसेसरी बिकॉज डिफरेंट ऑफ ब्रेड्स आर रिक्वायर्ड विलेजर्स फॉर डेली वेल भी ड्यूरिंग ऑकेजन के लिए भी जो है उसे चाहिए था बिल्कुल सही है सभी का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सेलिब्रेशन मील सेलिब्रेशन मील किसका मीनिंग होता है तेजी से बताइए सेलिब्रेशन मील किसका मीनिंग होता है तेजी से बताइए फिस्ट चलिए एक ऑप्शन आ चुका है सुभांग बता चुके हैं फिस्ट और सभी तेजी तेजी कमेंट कीजिए feast चलिए पल्लवी सिमित सभी बता रहे हैं चलिए मान लेते हैं हम भी ठीक है ना feast ही एक वर्ड है जिस इस पैसेज में जिसका मीनिंग होता है सेलिब्रेशन मिल ठीक है चलिए बिल्कुल सही है भावना आपका भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मस्ट टू बी प्रिपेयर्ड इन डॉटर्स एंगेजमेंट बाय अ लेडी के द्वारा उनके डॉटरस एंगेजमेंट में क्या अनिवार्य रूप से जो है ना बनाया जाता है तेजी तेजी बताइए क्या अनिवार्य रूप से बनाया जाता है बिल्कुल सिमी सही है सैंडविचेस आपका गलत है बोल जो भी बता रहे हैं सैंडविचेज सुभाग फोटो भेज दिया चलिए सैंडविचेज बिल्कुल सही है सैंडविचेज जो है वह बनाया जाता था ठीक है नेक्स्ट वेयर डिड द बैकर्स रिकॉर्ड हिज अकाउंट अकाउंट का कहा रिकॉर्ड रखते थे तेजी से बताइए अब ये क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं ठीक है तीसरा है पैराग्राफ द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ मंथ के एंड में उसे बिल जो है वह कलेक्ट करता था मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द ऑन सम वॉल इन पेंसिल पेंसिल से किसी दीवार पर वह जो है लिखते रहता था ठीक है बैकिंग वाज इनडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड डेज द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर

विथ अ पेंसिल ये आप देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर एस्ट भूखे क्यों नहीं मरते थे बेकर और उसके परिवार वाले क्योंकि उस समय में बेकरी जो है वह प्रॉफिटेबल बिजनेस था तेजी तेजी बताइए तेजी से बताइए बेकर एंड फैमिली नेवर ए स्टिकॉज बैकड़ी इज अ प्रॉफिट एट द टाइम बिल्कुल सही है बिल्कुल प्रॉफिटल बिजनेस था बैकरी जो है वह प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस समय में ठीक है वह इसलिए जो है बैकिंग या बैकरी वॉज एंड वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्क इन द एक्सट्रेक्ट इज द साइनोनिम्स ऑफ बिल्ड बी यू आई एल डी का साइनोनिम्स इस एक्सट्रैक्ट में क्या है तेजी से बताइए तेजी से बताइए बिल्ड का साइनोनिम्स साइनोनिम्स मीन्स होता है सिमिलर पर्यावाची ठीक है एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट विलोम शब्द तेजी तेजी बताइए विच वर्क इन द एक्सट्रैक्ट इज साइनोनिम्स ऑफ बिल्ड तेजी से बताइए आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि अगला जो है सेशन जो है ये ज्यादा लेट तक नहीं जाए चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट हो ड इन द एक्सट्रेक्ट इज द साइनोनिम्स ऑफ बिल्ट बिल्ट जो है उसका साइनोनिम्स क्या है नहीं पता अच्छा ये भी बताइए ना नहीं पता फिजिक ठीक है बिल्कुल एस आई क्यू फिजिक जो है वह क्या होता है बिल्ट का एक साइनोनिम्स होता है ठीक है फिजिक मीन्स भी ढांचा होता है बिल्ट मीन्स भी बना हुआ मतलब ढांचा ही होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ केन आकर बी आइडेंटिफाइड इन गोवा गोवा में बेकर को हम कैसे पहचानते हैं उसके से 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 या उसका जो है ड्रेस से, तेजी बताइए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस था उससे पहचाना जाता है जो बेकर जो है यह या या जो है बेकर ही होगा ठीक है नेक्स्ट बाइज अपीयरेंस बिल्कुल सिमी सही है आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस, आप आंसर समझ गए होंगे जैक फ्रूट लाइक अपियरेंस आप कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं जो वह जो है उसका ड्रेस का क्या नाम था ड्रेस का नाम कमेंट करके तेजी से बताइए वह कौन सा ड्रेस पाने होते थे तेजी से कमेंट करके बताइए तेजी से कमेंट कीजिए कबाई बिल्कुल के ए बी ए आई बिल्कुल सही है सभी का नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही वंस ही रीच द हाउस जब वह घर में पहुंचता है तो उस पहले वह क्या करता है सबसे पहले वह ग्रीट करता है लेडी ऑफ द हाउस को गुड मॉर्निंग बोलता है और वहां पर बास्केट का टोकरी जो है वर्टिकल बेम्बोज पर रखता है और वहां लोभ जो है वह ब्रेड जो है वह सर्वेंट को देता है ठीक है दूसरा डिड द बेकर मेक हिज एंट्री एंट्री कैसे करता है तो बेम्बो के स्टप से वह जो है जिंगल साउंड करता है और उस तरह से वह पहला जो है वह एंट्री करता है ठीक है और वह कहां, कहां पटकता है तो ग्राउंड में ठीक है नेक्स्ट हाउ डू यू गेट टू नो दैट द मैक बैकर्स या बेकर्स बेकर्स ऑफ ब्रेड स्टील एग्जिट

लेकिन बेकर जो है ना वर्ल्ड यह अभी भी जो है प्रचलन में है ठीक है नेक्स्ट वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड फॉर द गोज गोवाज के लिए जो है वह इम्पोर्टेंट क्या है ब्रेड का वाई वॉज द बेकर एसेंशियल इन ट्रेडिशन गोवा विलेज गोवा के गांव में गोवा के गांव में जो है ट्रेडिशन में जो है बेकर्स का फर्नेंस क्यों जो है वह इम्पोर्टेंस था तो डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेजन में जो है डिफरेंट तरह के जो है केक जो है वह ऑर्डर होते थे जैसे क्रिसमस में क्या होता था तेजी से कॉमेंट करके बताइए क्रिसमस ओके फेस्टिवल में कौन सा टाइप्स का बेकर केक जो है वह डिलीवर करते थे तेजी से कमेंट करके बताइए केक एंड केक और क्या था दो वर्ड था हाँ केक एंड बॉलियस बॉलिनस जो है वह उनका था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी लेडी जो है अपने डॉटर के एंगेजमेंट में जो है क्या जो है बनाया करते थे तेजी से आंसर दीजिए एंजल बोल रही है यार कितना बेकार सी स्टोरी है लेकिन एग्जाम में बेकार सी के स्टोरी से भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो दिक्कत यही है जो आपको या हमको अच्छा लगता है ना उतना पढ़ा के निकल जाएंगे तो नहीं होगा ना चलिए सेंड भी अच्छा बोल क्या है ओ एल बोल क्या है तेजी से बताइए बोल क्या है बोल क्या है, बोल क्या है? बोल क्या है? स्वीट ब्रेड्स अच्छा वो कब सर्व होता है या किस चीज के लिए जो है वह जरूरी है मैरिज ब्रेड बिल्कुल मैरिज में ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला है डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर बेकर का ड्रेस जो है वह पिकुलर होता था जिस ड्रेस का नाम जो है कबई होता था वह जो है वन पीस लॉन्ग फ्रॉक के तरह होता था जो नीज तक घुटने तक जो है हवा आता था ठीक है यदि लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिएगा तो लॉन्ग देख लीजिए इंस्टीड ऑफ देयर चाइल्डहुड द चिल्ड्रन इंजॉय आर कीन टू इंटर एडल्टहुड आफ्टर रीडिंग अबाउट ऑल दिस ज्वाय दैट द ऑथर रॉड्रिग्यूज हैड इन हिज चाइल्डहुड डू यू थिंक सच आर द पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज डिजरेबल देखिए आज के दौर में जो है वह मॉडर्न से तुलना किया गया है बच्चों का और मॉडर्न बच्चे जो है इन तरह के में वह गेस्ट आते हैं तो प्रणाम करने नहीं जाते हैं उसका रिगार्ड देने नहीं जाते मोबाइल में लगे होते यदि कोई मोबाइल छीन लेना तब जो उसके बाद जो है चुरेल वाला जो है उसका फेस बनता है ठीक है क्रिमिनल और चुरेल वाला वो देखने वाला होता है तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा यह भी स्टोरी से ही है बेकर फ्रॉम गोवा से आप उसको पढ़ने के बाद जो है आपको ट्रेडिशन के बारे में उसके हेरिटेज के बारे में वैल्यूज के बारे में या प्रैक्टिस आर द रूट्स दैट नोडेसस व्हाई और व्हाई नॉट और जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दिखाइएगा जो लोग जो थे हाँ पूछा जा सकता है बताएंगे वेट कर लीजिए आपका 21 को जो एग्जाम होगा कुछ का 21 को हिंदी है हिंदी के एग्जाम के बाद जो है ना 21 22 23 24 मतलब तीन चार दिन का सेशन आपका पूरा और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है उसमें उतना ही बताने वाले हैं जितना एग्जाम में पूछा जाएगा टोटल चीज ठीक है अभी फिलहाल आपका चैप्टर टोटल कवर कर देते हैं उससे पहले ताकि जो है बाद में जो है आपका मैराथन के रूप में ले और टोटल टॉपिक को बता सके ठीक है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड बच्चों का जो दोस्त होता था ना वह दोस्त जो है एक दोस्त उसमें से बैकर भी होता था एक उसका कंपेनियन और जो है गाइड भी होता था ठीक है कैरेक्टर ऑफ द बेकर बेकर के कैरेक्टर को ये इस तरह से कैसे जो है आइडेंटिफाई कर रहा है तो सबसे पहली बात तो जान लीजिए बेकर जो है वह बहुत ही नॉर्मल स्वभाव के होते थे वह जो है गुलंदार मतलब आप मिलनसार कह सकते हैं वह जो है आ, फ्रेंडली नेचर के होते थे ताकि बच्चों का जो है वह अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके क्योंकि बच्चे ही उनके जो है ना ऑक्यूपेशन थे बच्चे को अपने पास कलेक्ट करना ही उनका मेन पैशन था वह जो है उसको देखते थे ठीक है नेक्स्ट दूसरा है पार्ट कॉर्ग कॉर्ग जो है ये भी आपका इसी ग्लैमसेस ऑफ इंडिया का हिस्सा है और इसको हम देखते हैं।

मेटे अलग अलग तरह के चीजों के लिए वह फेमस है कुर्ग इज द हाउस ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे पहला चीज क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए स्पाइसेस मसाले के लिए कॉफी प्लांटेशन अधिकांश या कॉफी प्लांटेशन के लिए जाने जाते ठीक है सितंबर टू मार्च इज द मोस्ट प्लीजेंट सीजन फॉर द टूरिस्ट अब ये याद रखिएगा ये जो पॉइंट है आप याद रखिएगा ये मंथ सितंबर टू मार्च

इंडिपेंडेंट पीपल वह वहां के लोग होते हैं वह बिल्कुल जो है स्वतंत्र होते हैं दे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक एंड अरबियन ऑरिजन वे अधिकांश जो है ग्रीक और अरबियन ऑरिजिन के होते हैं इट इज सेड डेट ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल देयर एंड मैरिट अमोंग द लोकल्स मतलब जब जो है अलेक्जेंडर के आर्मी जो है युद्ध हुआ था और वहां से युद्ध जो है खत्म होने के बाद जब अलेक्जेंडर के आर्मी जा रहे थे तो कुछ आर्मी ने जो है यहाँ के लोकल से शादी करके यहाँ कुर्ग में ही सेटल हो गए थे ठीक है नेक्स्ट देयर लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एंड एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट देखिए ये याद रखिएगा कोपिया ठीक है रिजेंबल द कॉफिया वॉर्न बाय द अरब्स मतलब वो सभी कपड़े जो है ड्रेसअप है उनका नाम जो है यहाँ दिया गया है कर्गे हाउसेस होम्स आर नॉन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी मतलब वहां पर जो है आभगत करने का ठीक है वहां पे लोगों के बारे में जो है रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने के लिए भी यह जाने जाते हैं ठीक है द कर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन

फ्रॉम दिल्स के रिवर कावेरी जो है इसी यहाँ से जो है गुजरती है उसी के पर्वत से और जंगलों होकर हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद द रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनिंग माउंटेन बाइक आर द क्वाइट पॉपुलर इन कॉर्ग देखिये एक ही चीज के लिए कॉर्ग नहीं जाने जाते अलग 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 तरह के जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया ठीक है कैनोइंग हो गया रॉक क्लाइंबिंग हो गया माउंटेन बाइकिंग हो गया ये सब भी जो है इंसिडेंट्स के, के जो है वह जानते हैं ठीक है नेक्स्ट बर्ड्स बीज बटरफ्लाई एंड लंगूर फाइंड हैल्टर्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ कोर्स वहां पे जब वहां पर फॉरेस्ट है तो बहुत तरह के जो है स्पेसी होंगे ठीक है द टॉप ऑफ द बर्मागि हिल्स गिव्स यू अ जो वैली है ना जब बर्मागिपर से देखा जाए तो वहां से पूरा जो है ना एक जो है, दिखता है ठीक है मिडवे बिटवीन मैसोर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर सिट्स पीस ऑफ हेवन डेट मस्ट बी द ड्राफ्टिंग फ्रॉम द किंगडम्स ऑफ गॉड ऐसा लगता है वह भगवान का जो है ना साम्राज्य था ठीक है दिस लैंड रोलिंग हिल्स इन इज इनहेबिटेड ियल मेन ब्यूटिफुल्डर स्पाइसिसन क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ एनिमल्स आर वी लाइकली टू सी एट कॉर्ग कॉर्ग में जो है किस तरह के एनिमल जो है वह देखने को मिलते है? तेजी तेजी आंसर कीजिए तेजी से आंसर कीजिए चलिए बिल्कुल मेला मेलावर स्क्वायरल बटरफ्लाइज मंकीज अच्छा पल्लवी मंकी अप, बहुत ज्यादा ध्यान है हाँ बादल बोलिए आंसर बताइए ना हेलो सर क्या बर्ड बीज बटरफ्लाई चलिए एक ढेर लिखा है चलिए बिल्कुल सही है जितना भी लिखे हैं सब सही है ठीक है वाइल्ड एनिमल्स हम कर दिए थे व्हाट इज कॉर्ग नॉन फॉर कॉर्ग किस लिए जाने जाते तेजी से बताइए व्हाट इज कॉर्ग नॉन फॉर? इट्स ब्यूटी सिमी बता रही बिल्कुल सही है और तेजी तेजी बताइए कमेंट कीजिए एडवेंचरस स्पोर्ट या प्लेस कह सकते हैं सिमी सही है फ्रीडम फ्रीडम क्या होता है फॉर कॉफी प्लांटेशन ये भी सही है चलिए बिल्कुल जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं एडवेंचरस थिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम हैविंग टू डू विथ वॉर तेजी से बताइए बताइए बिल्कुल सही है पलक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए माउंटेन क्लाइंबिंग बेसिकली फॉर इट्स ब्यूटी पिछला क्वेश्चन क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज ंग टू डू विथ वॉर प्राउड रेस एडवेंचर चलिए और सब तेजी तेजी कॉमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कॉमेंट किया कीजिए आप लोग हमें पता है टाइप करने में आपको टाइम लगता है ठीक है चलिए मार्टीएल का मतलब होता है हैविंग टू डू विथ वॉर ठीक है एम ए आर टी आई एल नेक्स्ट वेयर इज कॉर्ग सिचुएटेड कॉर्ग कहाँ ये तो सबसे इजीएस्ट आंसर क्वेश्चन है से बताइए वेयर इज कॉर्ग सिचुएटेड कॉर्ग कहाँ स्थित है मैसूर और बेंगलोर के कोस्टल से बताइए इन कर्नाटका ये सबसे बढ़िया चीज था इन कर्नाटका बोल के जो है छुटकारा पा लीजिए चलिए मैसोर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर ठीक है कहा था तो मिडवे ऑफ मैसोर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर याद रखिएगा नेक्स्ट डिसेंट चलिए लाइन है द फ्यसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कॉर्क पॉसिबली ऑफ ग्रीक्स एंड अरब अरबिक डिसेंट एज वन ए स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर वेन ही रिटर्न बैक इम

अरबिक डिसेंट जो है उसके लिए जो है जाने जाते हैं ठीक है नेक्स्ट वेयर कैन वी फाइंड द कल्चर ऑफ कॉर्क मोस्ट एप्रियटली कल्चर ऑफ कॉर्ग बताइए मोस्ट एप्रियली कहां हम फाइंड कर सकते हैं तेजी से बताइए तेजी तेजी बताइए आंसर मार्टियल ट्रेडिशन रिलीजियस राइट्स एंड मैरिज अच्छा बादल बता रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर बताइए सुंदरम कभी कभी ऊपर हो रहे हैं या तो आप बढ़िया से जाके बुनिया खा लीजिए तब लाइव में जुड़िएगा नहीं तो पूरा रहिए लाइव में कभी कभी अटेंडेंस पुराने नहीं आना है ठीक है अच्छा नहीं पता है। इसमें क्या था जो नहीं पता है ठीक है ना यही चीज तो है तीन चीज ही तो है देखिए यहाँ पे मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स यही तो तीनों चीज था ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है मार्टियल ट्रेडिशन रिलीजियस राइट्स एंड मैरिज ठीक है? नेक्स्ट, वर्ड ऑफ़ द इन द एक्ट्रैक्ट मीन्स एन एक्ट दैट इज पार्ट ऑफ ए रिलीजियस सेरोमनी विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स? इस एक्सट्रैक्ट में किसका मीनिंग होता है ये एन एक्ट दैट इज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरोमनी तेजिस बताइए तेजी तेजी बताइए रिलीजियस राइट्स बता रहे हैं शुभां और बाकी सब चलिए राइट्स जो है रिलीजियस राइट्स बोलिए राइट्स बोलिए यही जो है इसी का मीनिंग जो है यहां पे दिया गया है, ठीक है नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ है इसी में पैराग्राफ है नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन है विच स्टोरी इज फेमस अबाउट द पीपुल ऑफ कर्ग कर्ग में जो है कौन सा स्टोरी फेमस है तेजिस बताइए तेजिस बताइए इसमें जो है कर्ग में कौन सा स्टोरी फेमस है जैसे इसके बाद है टी फ्रॉम आसाम ठीक है

kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. And the kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. And the first chief of the Indian Army, General Karepa, was the Vaja kurgi. Even now, Kodavas are the only people in the India permitted to carry fierces without a license. What kind of a story are the द people always ready to tell टेल तेजी से बताइए क्वेश्चन बताइए तेजी तेजी बताइए रिलेटेड टू their सन्स एंड फादर्स चलिए एक आंसर आया सिमी का टेल्स ऑफ Related to their sons and fathers. Alexander armies आ गया ये next देखिए बिल्कुल जो है tales of आप जो है tales of valor related to their sons and fathers ठीक है ये इसका आंसर होगा next question what is the special flavor? या flavour guaranteed only for to them even now तेजस बताइए तेजी से आंसर दीजिए दे कैन कीप फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स क्या हो गया तो फायर आर्म्स हो गया बंदूक गन्स ठीक है ना वे लोग बिना लाइसेंस के रख सकते थे रख सकते हैं शायद अभी का पता नहीं है लेकिन इसलिए क्योंकि वह फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे ठीक है बिल्कुल फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस रख सकते थे ठीक नेक्स्ट वर्ड फाइंड कीजिए जिसका मीनिंग होता है करेज एंड ब्रेवरी, यूजली इन द वॉर तेजी से बताइए वर्ड खोजिए तेजी से इस पैराग्राफ में वर्ड खोजना है तेजी से वर्ड खोजे जिसका मीनिंग करेज एंड ब्रेवरी होता है यूजली इन वॉर्स वार्स में वेलोर चलिए बिल्कुल सही है बी ओ यू आर वेलोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है व अ फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस इन इंडिया बिल्कुल आप लोग जान ही रहे ठीक है क्या होगा बता है ना आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए पीपुल ऑफ कॉर्ग कोडावस बिल्कुल सही है पीपुल ऑफ कॉर्ग लिखिए या कोडावस लिखिए बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला है द रिवर कावेरी ऑप्टे वॉटर फ्रॉम दिल्स फॉर देर कैच वाइल्ड स्क्वायर एंड लंगली मिशिप ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपेल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर एलिफेंट इंजॉय बींग बाड एंड नेक्स्ट कावेरी, कावेरी रिवर नेक्स्ट वाई डू द स्क्स ड्रॉप पार्सियन फ्रूट इन टू द रिवर बताइए तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फॉर मिस्िफ टू सी द एस्प्लेस ऑफ वाटर बिल्कुल टू सी द्लेस ऑफ वाटर ठीक है टू सी दस ऑफ वाटर रिपल इफेक्ट क्रिएटेड बाई द फ्रूट सीटिंग द वाटर दोनों आपको देना है आप शॉर्ट्स भी यहां से क्लियर कर सकते हैं ठीक है इसलिए आप दोनों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन सेम एजेव जैसा मीनिंग कौन सा वर्ड क्रिएट कर रहा है तेजी से बताइए तेजी तेजी कमेंट करके बताइए चलिए। अरे वाह मतलब मेरे लाइव कमेंट में प्रोफेसर जो है मेल से भी आईडी आता है अरे भाई हो कौन नाम भी थोड़ा बता दो हम भी तो जान जाए पहले से प्रोफेसर लगा दिए रिपल मिन्स वेब होता है ठीक है अब देखिए सेंटेंस पढ़ लीजिए वहीं से पता चल जाएगा एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ क्लियर वाटर रिपल रिपल्स वही हो गया जो पानी में यदि कोई भी फल गिरा जैसे फल गिरा तो पानी का चारों ओर इफेक्ट होना ठीक है रिपल इफेक्ट वही हो गया अब एक चीज देखिए महावत 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 जो होता है ना वह होता है एलिफेंट के जो केयर टेकर होते हैं वो होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट वट डू एलिफेंट इंजॉय बाई देअर मोहबत सुनाइ आप लोग को मोहब्बत ही दे रहा होगा लेकिन मोहब्बत है नहीं मोहब्बत है ठीक है चलिए बताइए तेजी से बाथिंग एंजॉय दिप्ड ऑफ इन द रिफर ठीक है बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट एलिफेंट इंजॉय बींग बाथेड एंड स्क्रिप्ट बाय देयर मोहब्बत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है शॉर्ट एंसर क्वेश्चन फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ क्वर्क डिसेंडेंट एज पर लेजेंड्स देखिए अलेक्जेंडर आर्मी चली आ गया ये आपको पता ही है जो साउथ में आके सेटल हो गए थे वही के लोकल से वह मैरिज कर लिए थे ठीक है दूसरा क्वेश्चन हाउ हैज द कॉर्ग ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेबरी रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया में कैसे क्योंकि उसके जो है कर्ग रेजिमेंट से आपको पता चलता उनके ब्रैबरी का सॉरी का ठीक है क्योंकि वहां जो है कर्ग जो है उसमें बहुत सारे अवार्ड उन्हें जो है मिला हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कर्ग का वाइल्ड लाइफ बताना है जिसमें एनिमल्स जो है बहुत सारे होते हैं जो कि बताया गया वो हो हो गया गया एलिफेंट हो गया बर्ड्स जो है वह मेनली फिशर्स फिश हो गए अलग अलग तरह के जो है वहाँ पे क्रिएचर्स के बारे में आप बता दीजिए डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कर, कर्ग का टू टूरिस्ट प्लेस जो है सबसे पहला जो आता है बर्मागिरी हिल्स बर्मागिरी हिल्स जहाँ से पूरा सीनेरियो पूरा सीन जो है वहां से बहुत ही अद्भुत अनोखा एडवेंचरस आप कह सकते हैं वहां जाने में तो दिक्कत पहले होता था अब तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है डिस्क्राइब्स कॉर्ग वेदर वेन इट इज मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कॉर्ग कॉर्ग का वेदर बताना कब जो है तो सितंबर से मार्च याद रखिएगा ये इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट इस मंथ को दिया गया है क्योंकि इस वेदर में जो है परफेक्ट होता है और वह जो है मेनली इसमें मॉनसून जो है वह इंटर करता है ड्यूरिंग मॉनसून में आप जाइएगा तो यहाँ से आएगा क्या तो है्वी रेनफॉल की वजह से डिस्टर्बेंस अधिक होता है इसलिए सप्टेम्बर से मार्च के बीच में और वहाँ जो है प्लीजेंट फ्रेग्रेंस ऑफ जो

हाउ डू कर्गेज लोकेशन पीपल एंड नेचर फीचर्स एट द डायवर्सिटी ऑफ इंडिया किस तरह से जो है वह इंडिया के डाइवर्सिटी में चार चांद लगाने का जो है ये डायवर्सिटी ऑफ इंडिया में जो है काम करता है वह किस तरह से दिखाने में ये सब आपका पॉइंट है आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे ठीक है तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम ठीक है टी फ्रॉम आसाम तीसरा पार्ट है यदि आप जो है इसको कल करना चाहिए तो कल भी कर सकते हैं यदि अभी करना है क्या करना है कमेंट करके बताइए फिर हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल प्रांजल एंड राजवीर दोनों स्टोरी है इसका दोनों का ठीक है टी फ्रॉम आसाम चलिए अभी ही कर लेते हैं अच्छा अभी कुछ का आ रहा है कुछ का कल आ रहा है सर कल अब हम क्या करें दो का भी है तीन तीन का भी है दो का कल है चलिए आप वोटिंग पे ही डिसाइड होगा देख लेते आज सर प्लीज <laughs> अरे कोई कहीं से आप जो है आप पढ़ने आए पढ़िए न जी कोई कहीं से रे उससे क्या मतलब है दूसरा एक चीज और जानिए आप यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं रिलेशन बैठे हुए हैं और रिलेशन वाला भी सप्ताह जो है ना वो बीत चुका है ठीक है तो इसलिए अब जो है एग्जाम पे कंसंट्रेट कीजिए और एक नोटिस और आप लोगों के लिए यदि आप लाइव कमेंट में रहते हैं कोई कमेंट एक तो फालतू कमेंट होता नहीं है फालतू कमेंट होगा तो हम खुद जो है उसको यहां से ब्लॉक कर देंगे दूसरा यदि आपको जो है कोई भी किसी के कमेंट से दिक्कत आता है तो आप अपने लाइव में जो है लाइव सेक्शन के कमेंट सेशन में जाइए सेक्शन में और वहां से उसके नेम पर टच कीजिएगा दो ऑप्शन आएगा एक्शन और ब्लॉग तो और रिपोर्ट या ब्लॉग आप ब्लॉक कर दीजिए आपको वो नहीं दिखेगा ठीक है चलिए अगला तीसरा पार्ट है डी फ्रॉम आसाम ठीक है तो चलिए छोड़ देते आज कल ही करेंगे क्योंकि आप लोग ज्यादा बुनिया सब खा लिए होंगे कल पूजा का फिर आज भी तो जाना है ना आज भी आप घूम घूम के खाइएगा कल जो है कल विसर्जन है बहुत जगह ठीक है तो चलिए आज के सेशन को यही ड्रॉप करते हैं मिलते हैं कल आप सबसे पहले तो स्वस्थ रहिए अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए फिर आप जो है रिवीजन आप करते रहिए ठीक है तो आपका दिन आज का दिन सुबह गुड बाय एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट